अगर आपके घर में किसी को भी कोविड हो जाता है तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। उसमें आपको उस पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है और क्या डेली रूटीन फॉलो करना है जिससे आप उसकी अच्छे से केयर कर पाएँ, आज मैं आपको इस वीडियो में उसी के बारे में बताऊंगी। और ये वीडियो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। अभी मेरी फैमिली में भी 3 लोगों को एक साथ कोविड-19 हो गया था और मैंने उस टाइम पर क्या क्या किया, मैं आज वो सब कुछ आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19। सबसे कॉमन सिम्टम कोविड-19 का है बुखार का बार बार आना, यस, फीवर का बार बार आना। अगर आपके घर में किसी को भी फीवर होता है तो आपको ये चेक करना है कि उसको वो फीवर कितनी बार आ रहा है। अगर उसको फीवर 2 से 3 बार आ चुका है तो आपको उस पर्सन को इमीडिएट क्वारंटाइन कर देना है। बिना कुछ सोचे समझे आपको उसे क्वारंटाइन कर देना है, क्योंकि 80% चांसेस हैं कि उसे कोविड-19 ही होगा और आपको उसका टेस्ट करवाना है। और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो आपको उन्हें 100% 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन करना होगा और वो सब मेडिसिन आपको देनी होंगी जो कोविड-19 पेशेंट को आपको देनी पड़ती हैं। कोविड-19 की मेडिसिन के सारे नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आपके घर में किसी को कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको उसे क्वारंटाइन कर देना है। आपको उसकी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, उसके क्लोथ्स को आपको हाथ नहीं लगाना है, आपके उसके खाए हुए बर्तन को हाथ नहीं लगाना है। आपको बिल्कुल उस पर्सन से दूर रहना है और अपने सारे घर वालों को उससे दूर रखना है। आपको उन्हें एक कमरे में लॉक करना पड़ेगा, ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिज़ीज़ हाईली कंटेजियस है, ये आप सबको पता है। और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स भी इसके खतरे में आ जाते हैं अगर आपके घर में किसी भी एक पर्सन को कोविड-19 होता है तो। उसके बाद आपको उसको थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर इजीली अवेलेबल है मेडिकल शॉप में, 200 से 250 रुपये का वो आ जाता है। वो बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि वो हमारे ऑक्सीजन लेवल और पल्स लेवल को डिटेक्ट करता है और वो हमें बताता है, तो हमें उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। और आपको उसको एक स्टीमर देना होगा, जी हाँ, एक स्टीमर, क्योंकि इसमें स्टीम जितनी ज़्यादा एक पेशेंट लेता है बहुत जल्दी उसको कोविड-19 से राहत मिलती है। तो एक आपको फिर उसके रूम के बाहर एक स्टूल रख देना है ताकि आप जो भी खाना उनको देंगे वो आप उस स्टूल पे रख देंगे और नॉक कर देंगे उनका गेट और वो अपने आप अपना खाना लेकर अंदर चले जाएंगे। आपको उनसे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं डेली रूटीन की, कि क्या डेली रूटीन हमें फॉलो करना है जिससे हमारे ऊपर काम का लोड भी ना आए और कोविड पेशेंट की अच्छे से केयर भी हो जाए। मैंने इसका एक छोटा सा चार्ट वीडियो के एंड में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैं क्या क्या फॉलो करती थी, मैं कैसे अपना पूरा डे मैनेज करती थी, डेली रूटीन में मैं क्या क्या करती थी, किस टाइम पे मैं क्या करती थी, वो सब मैंने उसमें अच्छे से मेंशन किया है। मैं आपको अभी वो ब्रीफ में बता देती हूँ। मैं सबसे पहले 9:30 पे उठ करके सबके लिए गार्गल्स के लिए पानी गर्म करती थी। जी हाँ, मैं गार्गल्स के लिए पानी गर्म करती थी, सिंपल पानी जिसमें मैं 1 स्पून नमक डाल देती थी और मैं वो सबको देती थी। उसके बाद मैं अपने घर में ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती थी। मेरे घर में सब परांठे खाते हैं तो मैं सब हर रोज़ कोई ना कोई स्टफ परांठा बनाती थी। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि कोविड-19 में खाने को लेकर के बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं है, हमें गर्म चीज़ें ज़्यादा देनी होती हैं, ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं, जैसे कि दही वगैरह वो सब आप मत दीजिए, बाकी आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई परहेज़ नहीं है कोविड-19 में, तो आप सब कुछ दे सकते हैं। तो मैं ब्रेकफास्ट में जनरली परांठे बनाती थी, मैं उनको वही देती थी 1 घंटे के गैप में। अगर मैंने 9:30 उन्हें पानी दिया है गार्गल्स के लिए तो मैं 10:30 उन्हें ब्रेकफास्ट देती थी और इस बीच में मैं अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों प्रिपेयर कर लेती थी। जी हाँ, मैं लंच भी प्रिपेयर कर लेती थी। 1 घंटे में आपका दोनों मैनेज हो जाता है, आप दोनों चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे से हो जाता था, मैं तो प्रिपेयर कर लेती थी, तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप सब इकट्ठे ही कर लो ताकि आपको फुल डे हैक्टिक ना फील हो, फुल डे आपका किचन में ना जाए, इसलिए आपको रेस्ट के लिए भी टाइम मिले। तो 10:30 मैं उन सबको ब्रेकफास्ट देती थी, स्टफ परांठा जनरली मैं बनाती थी उसमें जो मैं उनको देती थी। उसके बाद 11:30 पर मैं सबको नारियल पानी देती थी। जी हाँ, नारियल पानी बहुत बहुत ही हेल्दी होता है, ये आप लोगों को भी पता ही है, और बुखार में स्पेशली बहुत अच्छा होता है नारियल पानी। तो मैं डेली उन लोगों को 11:30 पर नारियल पानी देती थी। उसके बाद मैं 12:30 पर उन सबको काढ़ा देती थी। काढ़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, काढ़े का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है गिलोय।
गिलोय बहुत ज़रूरी है। गिलोय एक प्लांट होता है, आपको उसकी डंडी लेनी है, उसको छोटा छोटा चॉप करना है और पानी में बॉईल कर देना है। प्रॉपर काढ़े की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, तो आप प्लीज़ वहाँ से चेक कर सकते हैं कि मैं क्या क्या डालती थी काढ़े के लिए। बहुत सिंपल होता है, 10 मिनट्स में काढ़ा रहने के बाद 1:30 पर मैं सबको फ्रूट्स देती थी। आप सारे फ्रूट्स दे सकते हैं, हर तरीके का फ्रूट, विटामिन सी रिच फ्रूट्स अगर आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे ऑरेंजेस हैं, मौसमी का जूस है, ये सब आप दीजिए, वाटरमेलन दीजिए, एनी काइंड ऑफ फ्रूट, कीवी दीजिए जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छे से होता है, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। तो मैं सबको 1:30 पर फ्रूट्स देती थी और उसके बाद 2:30 पर मैं सबको लंच देती थी। लंच में जनरली मैं सिंपल दाल बनाती थी, राइस बनाती थी और चपाती बनाती थी। थोड़ा हैवी अवॉइड करना चाहिए, लाइक छोले राजमा हमें थोड़े अवॉइड करने चाहिए क्योंकि फीवर होता है, बॉडी बहुत वीक होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो छोले राजमा जैसी हैवी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए इसमें। तो सिंपल मूंग दाल, मूंग छिलका दाल, अरहर की दाल, ये सब आप दे सकते हैं, कढ़ी दे सकते हैं, पालक की सब्ज़ी दे सकते हैं, पनीर भी दे सकते हैं आप, पनीर भी बहुत हेल्दी होता है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये सब मैं 2:30 पर देती थी विद सैलेड। सैलेड बहुत इम्पॉर्टेंट है देना, सैलेड ज़रूर दीजिए उनको, खीरा टमाटर राय गाजर सब कुछ आपको देना ही है, डेली देना है, क्योंकि फीवर की वजह से बहुत वीकनेस आती है और ये सब चीज़ें वीकनेस को दूर करती हैं और बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। लंच के बाद हो जाता है रेस्ट टाइम, तो 2 to 3 hours वी यूज़ टू स्लीप दैट टाइम, और आफ्टर दैट आई यूज़ टू वेक अप and prepare soup for all the patients. मैं 2 तरीके के सूप बनाती थी, टोमेटो सूप एंड वेजिटेबल सूप, alternate days पर मैं बनाती थी उनको। सूप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत हेल्दी होता है, तो आप अपने घर के कोविड पेशेंट को सूप ज़रूर दें। वो गर्म होता है तो वो हमारे गले को भी बहुत आराम देता है, हमारा सोर थ्रोट हो जाता है कोविड में, तो उसमें बहुत फ़ायदा करता है वो, तो सूप ज़रूर दें, उसको डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो मैं तो सूप देती थी, तो मैं आपको भी एडवाइस करूँगी कि आप लोग भी सूप दें। 30 पे हमारा डिनर टाइम हो जाता था, तो मैं सबको डिनर दे देती थी। डिनर भी मेरा सिंपल होता था, बिल्कुल सिंपल, कोई भी मिक्स वेज वेजिटेबल या एनीथिंग जो भी आपके घर में खाते हैं आप दे सकते हैं विद चपाती, और अगर मैंगो भी आप इसमें दे सकते हैं, मैंगो बहुत फ़ायदा करता है इसमें, तो आप अगर आपके घर में मैंगो खाते हैं तो आप लोग मैंगो है, मस्क मेलन है, ये सब भी साथ में आप अपने डिनर में पेशेंट को दे सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है वो है च्यवनप्राश। जी हाँ, च्यवनप्राश ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करो, और कोविड पेशेंट को भी च्यवनप्राश ज़रूर बोलो खाने को, एक बॉटल उनके रूम में ही दे दो जो वो अपने आप ही लेते रहेंगे और खाते रहेंगे, बहुत ज़रूरी है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत जल्दी बूस्ट करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं ये सब फॉलो करती थी और ये वीडियो शायद आपको हेल्पफुल रहे ऐसा मैं सोचती हूँ, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो अगर किसी और के काम आ सके तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा और इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई और जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।